पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने हैवी वेट ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है। इन ड्रोनों का प्रयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी और अटैक करने में किया जाएगा। सेना डिजाइन ब्यूरो अनुसंधान ने भारतीय सेना के लिए मंगलवार को दिल्ली छावनी में मानेकशॉ केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहाँ 40 कंपनियों ने भाग लिया और इस मेले में ज्यादातर ड्रोन थे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारतीय सेना के कमांडरों ने धीमी गति से चलने वाले ड्रोन खरीदने का फैसला लिया। इन ड्रोनों से सीमा पार से किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। इन ड्रोनों को मिसाइल म्यूटेशन ड्रोन कहा जाता है। इस मेले में एक लैटर मून मेड ड्रोन भी प्रदर्शित किया गया। इस ड्रोन में विस्फोटक वारहेड लगा जा सकता है और जमीन पर अटैक के साथ निगरानी भी की जा सकती है। इस मेले में कुछ ऐसे ड्रोन भी थे जो 10,000 फीट की ऊंचाई तक 40 किलोग्राम भार लेकर उड़ सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट AFATF को लेकर है। पेरिस में मंगलवार को AFATF की बैठक में उन उपायों की समीक्षा की जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को नियंत्रित करने में उठाए हैं। हालांकि बैठक में कहा गया कि इस्लामाबाद को इन 4 महीनों में ठोस कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान को भरोसा है कि इस्लामाबाद को काली सूची में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि चीन, मलेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि AFATF में 36 देश होते हैं। किसी भी देश को अगर 3 देशों का समर्थन मिल जाए तो उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है। AFATF की बैठक 18 अक्टूबर तक पेरिस में जारी रहेगी, जिसके दौरान निर्णय लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या नहीं। दोस्तों, अगला अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर है। भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने जा रही है। रक्षा सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सेना के 45 सैनिक और अमेरिका सेना के सैनिक मिलकर एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। इस युद्ध अभ्यास का नाम वज्र प्रहार होगा। यह युद्ध अभ्यास 15 दिन तक चलेगा। यह इस युद्ध अभ्यास का 10वां संस्करण होगा। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने कहा कि इस युद्ध अभ्यास से दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।